गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर नंबर 18, दैट इज यूनिक होटल्स ऑफ क्लास 7 जीके. सो हियर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ होटल्स. ड्यूरिंग वेकेशन वी ऑल लाइक टू स्टे इन होटल्स फिल्ड विद एक्साइटमेंट, फन एंड रिलैक्सेशन. व्हाई डू वी स्टे इन होटल्स? वेन एवर वी गो ऑन एनी वेकेशन और वी गो ऑन एनी हॉलीडे ट्रिप, वी स्टे इन होटल्स. हम सब होटल्स में रुकते हैं. क्यों रुकते हैं? फन के लिए, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए. रीड अबाउट द मोस्ट यूनिक एंड अमेजिंग होटल्स ऑफ द वर्ल्ड. हमें यहाँ पे यूनिक और अमेजिंग होटल्स ऑफ द वर्ल्ड गिवन है. वी आर गिवन, राइट द नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स, यू मे यूज द हेल्प बॉक्स. आपको ऐसे होटल्स की इमेजेस गिवन है, उनका डिस्क्रिप्शन गिवन है, हेल्प बॉक्स में उनके नेम्स गिवन है. बेस्ड ऑन द हेल्प बॉक्स यू नीड टू फिल द नेम्स हियर. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट होटल. दिस होटल लुक्स लाइक अ रेड गार्डन इन द मिडल ऑफ द लेक. कैसा लगता है? रेड गार्डन इन द मिडल ऑफ द लेक. इट्स बेडरूम इज लोकेटेड 3 meters बिलो द लेक. इसका जो बेडरूम है वो 3 meters बिलो द लेक है. एंड कैन बी रीच्ड बाय लेडर. सीढ़ियों से आप बेडरूम में जा सकते हो. देर आर विंडोज ऑल अराउंड टू व्यू फिशेस. अब क्योंकि ये 3 meters बिलो द लेक है तो चारों तरफ विंडोज जो हैं वो ग्लास की हैं, तो उसमें से आप बाहर की जो फिशेज हैं, यू कैन व्यू दोज फिशेज. अबव वाटर इज अ स्मॉल डेक टू रिलैक्स एंड अ रो बोट टू सेल ऑन द लेक. और जो पानी के ऊपर जो इस होटल में है वहाँ पे एक स्मॉल डेक बना हुआ है जहाँ पे आप आके रिलैक्स कर सकते हो, और एक रो बोट है जिससे आप सेल कर सकते हो लेक में जाके. तो सी, दिस इज द इमेज गिवन टू यू. इट्स ऑफ रेड कलर, सो इट लुक्स लाइक अ रेड गार्डन इन द मिडल ऑफ द लेक. वेयर दिस होटल इज सिचुएटेड? इट्स सिचुएटेड इन स्वीडन. सो नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द होटल? इट इज अटर इन. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज अटर इन इज द होटल which is situated in Sweden. Then question number 2. This hotel is located with a view of Mount Kilimanjaro. The giraffes were shifted to this area after the loss of their natural habitat. इस होटल के एरिया में जिराफ्स को शिफ्ट कर दिया गया था जब उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो गया था. While staying in this hotel, you will have the opportunity to feed the giraffes with your hands from your room window. अब देखो यहाँ पे सब लोग अपना फूड इनटेक कर रहे हैं, यहाँ पे विंडो में से जिराफ की देख रहे हैं हम, जिराफ इनसे फूड ले रहा है. तो यहाँ इस होटल में रह के आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने हाथ से जिराफ को खाना खिला सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक देयर पिक्चर्स, और खाना खिलाते हुए आप उनके साथ उनकी पिक्चर्स भी ले सकते हो. नाउ दिस होटल इज सिचुएटेड इन केन्या. Now, what is the name of the hotel? The hotel name is the Giraffe Manor. The Giraffe Manor. This is the name of the hotel. Giraffe se related hai. So, we can see that it is the Giraffe Manor. Question number 3. This unique 60-room hotel is for those who love books and learnings. ये होटल जो है इसमें 60 rooms हैं, और ये उनके लिए है, those who love reading books. The 10 floors are set according to different themes of books. इस होटल में 10 अलग अलग फ्लोर्स हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग है? जो थीम्स होती हैं बुक की उसके अकॉर्डिंग, जैसे आर्ट, लाइक आर्ट, फिलोसफी एंड मैथ्स. ईच फ्लोर हैज़ अ थीम एंड ईच रूम हैज़ बुक ऑन दैट थीम. हर फ्लोर की एक थीम है, हर रूम में उस थीम के अकॉर्डिंग बुक्स प्लेस्ड हैं. This hotel is situated in New York, Manhattan, New York. What is the name of this hotel? The Library Hotel. अब books से related है, so you can remember the name, The Library Hotel. The Library Hotel. ठीक है? Then question number 4. This hotel is the perfect place for car lovers. जिनको car पसंद है, उनके लिए perfect place है. It offers car themed rooms. जो rooms हैं, वो किस थीम पे बेस्ड है? कार के ऊपर. द होल होटल फ्रॉम रिसेप्शन टू द रेस्टोरेंट फीचर्स कार्स एंड द बेड्स लुक लाइक द कंटिन्यूएशन ऑफ अ रोड और अ कार. अब देखो इस इमेज में जिनको कार पसंद है उनके लिए, जो पूरा होटल का रिसेप्शन से लेके रेस्टोरेंट तक फीचर्स कार्स, जो कार के फीचर्स है उसके ऊपर है, और जो बेड है इस रूम होटल के, जो बेड्स है देखो ये कार शेप में दिख रहे हैं आपको, लुक लाइक द कंटिन्यूएशन ऑफ अ रोड और अ कार. जैसे कि रोड और कार के ऊपर इस सारे जितने भी इस होटल के जो भी फीचर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, वो बेस्ड हैं कार पे. सो नाउ इट्स सिचुएटेड इन जर्मनी.
What is the name of the hotel? V8 Hotel. V8 Hotel. Question number 5th. This unique hotel is entirely made of ice. ये जो पूरा होटल है ये किसके बना हुआ है? आइस से. Every year this hotel is redesigned and rebuilt with 500 tons of ice. कितनी आइस लगती है इसको? हर साल ये वापस से रीबिल्ट होता है, रीडिजाइन होता है. किससे? 500 tons of ice से. And 30,000 tons of snow. 30,000 tons of snow लगती है रीबिल्ड करने में. It opens from January 7 to March 27th each year. January 7 से लेके 27th March every year ये होटल ओपन रहता है. Where it is situated? It is situated in Canada. Now what is the name of the hotel? Hotel D. Glace. Glacier से याद रख लेना, आइस से रिलेटेड है तो होटल D. Glace. Okay, this is the name. So here in this chapter we were given the names of 5 unique hotels and their descriptions are given to us. Based on that we have identified which hotel represents based on the images given to you. So you just need to do these 5 questions in your copy. That's it. Thank you.